तो लाइव मार्केट में आप सभी का स्वागत है। अभी देखो टाइमिंग हो रहा है 11:33 और जस्ट ये एक घंटे का कैंडल है, उस देखते रहना। मार्केट इस तरीके से ओपनिंग कर रहा है, यहीं पर फंसा हुआ है। चीज़ों को समझोगे तो मज़ा आने वाला है। अभी यहाँ पे देखो ये चैनल के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखो ये पूरे के पूरे यहाँ पर एक बेस है, ठीक है। बेस है कौन सा है, ये है 46200 का, 260 और 17, ये सारे लेवल का एक बेस है। चलो ठीक है, इस बेस को याद रखते हुए आप इधर आ जाओ। देखो मार्केट फ्राइडे से एक चैनल क्रिएट कर लिया, एक बार ये नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, दो गैप मिल गया, उसके बाद ये कंटिन्यूस तरीके से चैनल क्रिएट करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। वन डे के चार्ट में आप लोगों को तो मालूम है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। वन डे के चार्ट में आप देख पा रहे हो कि क्या है, यहाँ पे दो ऐसा जो रेंज बना रखा है यहाँ पे लो का और हाई का, और इसके बीच में मार्केट साइडवेज घूम रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो आप देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो रिसेंट में हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, और ओआई डाटा भी अभी हम लोग देख लेंगे। मार्केट जिस तरीके से इसमें रेंज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे फ्राइडे के डे पे जो आपका यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है 47,000 का, उसका भाव क्या चल रहा था। तो 47,000 का यहाँ पर भाव जो चल रहा था, हम लोग एक सेकंड देख लेते हैं ऑप्शन चैन, और 47,000 का हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी रिसेंट में 150 के आसपास इसका रेट चल रहा है, 47,000। ओके फाइन, सी साइड में हम लोग कब देखेंगे, 23 को। तो 23 को इसका रेट था 624, तो 620 के आसपास इसका भाव था, और अभी चल रहा है 150 रुपये। अप्रॉक्स कितना टाइम डिके का इसमें बेनिफिट मिल चुका है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अप्रॉक्सिमेटली 450 पॉइंट का इसमें मिल चुका है, कितना, 400 पॉइंट का हो चुका है इसमें। तो आप ये देखो कि इतना टाइम का वैल्यू उसको मिल चुका है ऑप्शन सेलर को, जो यहाँ पे सेल कर रहे थे, ठीक है। 47,000 का कॉल शॉर्ट करा था, तो इस तरीके से मिल चुका है। और आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे कॉल का भी मिल गया होगा, जिस तरीके से यहाँ पे पुट जो शॉर्ट करे होंगे यहाँ पे 22 को, देखो इस लेवल पे कौन सा है, ये 46,500 का। तो 46,500 का हम लोग पुट चेक करते हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उनको कितना वैल्यू मिल रहा है। तो 46,500 की हम लोग देख रहे हैं, अभी 330 के आसपास चल रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, 330 के आसपास। और हम लोग कब चेक करेंगे, 22 को हम लोग देखने वाले हैं। तो 21 और ये 22 के आसपास जो यहाँ पे शॉर्ट किया गया था, तो 500 के आसपास है। तो 500 के आसपास है। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि 500 के आसपास है और इधर इसकी वैल्यू कितनी अभी हाई पे रखा हुआ है, मतलब 470-80 के आसपास, मतलब 500 समझो, तो अभी भी यहाँ 330-350 के आसपास है। तो मतलब 150 पॉइंट का टाइम डिके इसमें मिला है, ओनली 150 का मिला है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है ऑलरेडी। तो मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है, बेस बना हुआ है। अब चीज़ों को समझते रहना अच्छे तरीके से। यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रखे, कॉल वाले यदि पोजीशन को काटते हैं, जो कॉल को बेच रखे हैं, चीज़ों को समझना, जो कॉल को बेच रखे हैं वो कॉल को खरीदेंगे तो उनका पोजीशन कटेगा, और जब कॉल को खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। चलो बात को समझो अच्छे तरीके से। ये तो मार्केट ऑलरेडी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ ही रहा है, ये बात समझ में आ रही है। नीचे धीरे धीरे आ रहा है, हमें नीचे की तरफ इतना कॉन्फिडेंस मिल नहीं पा रहा है। यार मैं करूँ क्या, करूँ क्या, ऑप्शन सेलिंग आराम से हो पा रहा है, जहाँ भी ये शॉर्ट कर रहे हैं आराम से शॉर्ट करते हुए, अपने आप को शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। सो सिंपल, नीचे 46,200 का हम लोग मेन लेवल समझते हैं, उसके नीचे आने के बाद सस्टेन करने के बाद हम लोग कुछ और देखेंगे। लेकिन अगर ये चैनल बना रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं चेक कर सकते, चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। मतलब मेरा व्यू बन रहा है, ब्रेकआउट का मतलब कॉल साइड में बन रहा है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग करता है और प्राइस नेगेटिव बनाएगा, तो जाके हमें कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट होने वाला है, ऐसा प्राइस बनना चाहिए, ठीक है। अभी 11:30 बज रहे हैं और मैं एडवांस एनालिसिस कर रहा हूं, अभी मार्केट क्लोज हुआ नहीं है, लेकिन मैं एडवांस में सब कुछ बोल रहा हूं। अभी आज है ट्यूसडे, कल है वेडनेसडे, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और ये बैंक निफ्टी 15 मिनट में हम लोग देख पा रहे हैं। जब तक बैंक निफ्टी इन सारे स्विंग्स को क्रॉस करता नहीं है, कॉल वाले डरेंगे नहीं, मतलब जो कॉल बेच रखे हैं, जब तक कि आज के हाई के ऊपर निकालने के बाद ये होल्ड ना करने लग जाए, कॉल वाले डरने वाले नहीं है, मतलब जो कॉल बेच रखे वो कॉल को बाय करेंगे, मार्केट में मूवमेंट होगा। जिस तरीके से मूवमेंट होते रहेगा, ये लोग डरते रहेंगे, अपने पोजिशन को काटते रहेंगे, और मार्केट में अच्छे खासे मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 3 दिनों में उन्होंने बेनिफिट कमाया है, उनको वो लॉस में नहीं गंवाने वाले हैं। इस चीज़ को समझे जरा, वो लॉस में नहीं गंवाएंगे, इसका मतलब वो पोजीशन काटेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में अप मूव ही दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ओआई डाटा थोड़ा सा चेक करो, आपको ऐसा चैनल लग रहा है और सॉरी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, हम लोग पुट में इतना अग्रेसिव नहीं हो पा रहे, हमें दिख रहा है नेगेटिव है, बट हम लोग अग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 46,500 एक यहाँ पे एक बेस्ट लेवल है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी। इससे पहले मार्केट इस तरीके से
चैनल क्रिएट कर रखा है, अभी भी चैनल के अंदर ही काम कर रहा है। अगर हो सकता है आज पूरे दिन अगर इसी के अंदर बंद हो जाता है, कल भी फ्लैट ओपनिंग करेगा, तो हाई पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है 70-80-90% चांस की मार्केट कॉल की तरफ मूव करने वाला है। इट्स माई व्यू, ये मेरा एनालिसिस है, इसमें कुछ भी डिस्क्लेमर ये है कि मेरे एनालिसिस पे आपको कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड जानकारी के लिए है, ये सिर्फ आप समझो मेरे नॉलेज से आपको कोई भी पोजिशन ऐसा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी पोजिशन क्रिएट नहीं करना, बस आपको लॉजिक समझना है। यदि ये आपके सिद्धांत में आता है, जिस सिद्धांत को आप यूज कर रहे हो, देन आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए अपना काम करें, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। लेकिन एक चीज़ समझिए जरा कि अगर मान लो कि एक सेकेंड, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ओवाई प्रोफाइल को ऑन करते हैं। यहां पे देखो, आपको क्या लग रहा है कि 47,000 पे दबा के कॉल शॉर्ट किया गया, यहां से तो नीचे ही रख रखा है मार्केट को, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इन लोगों को कि मार्केट यहां से नीचे रखेंगे और टाइम डिके का बहुत ज्यादा बेनिफिट इनको ऑलरेडी मिल चुका है और मिल रहा है, और कल एक्सपायरी है, आपको मालूम है फ्लैट ओपनिंग करता भी है और मार्केट साइडवेज भी 12 बजे तक रहता है, तो इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और ऐसी दशा में भी अगर मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है तो ऑप्शन बाइंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसको मिस मत कीजिएगा, है ना, डू एंड डाई का सिनारियो रहेगा। अगर मार्केट आज मैं कहता हूँ ना कि इसके अंदर ही क्लोज होने दो, अगर क्लोज हो गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा भाई, बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे स्विंग्स के ऊपर, मतलब आज के हाई के ऊपर हम लोग आराम से बैठेंगे, क्योंकि ये 46,500 की लेवल है और 46,500 को कंट्रोल करने की कोशिश अभी तो कर रहा है। जब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और मार्केट मूव करेगा, इस स्विंग के ऊपर निकालेगा, ऑप्शन सेलर डरने वाले हैं, यहां से पोजिशन काटने वाले और मूवमेंट मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरा व्यू अभी तो उसमें है, कॉल साइड में है। अगर इफ़ एनी चांस अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग करता है और ये इस लेवल को ब्रेक करता है, 46,200 के लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे के साइड में, तो तुरंत चेंज हो जाना होगा मार्केट में, फिर हम लोग थोड़ा सा सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग के लिए फिर हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा जो 45,500 का लेवल है, मतलब 500 से तो यहाँ पे 1000 का है, और 200 से हम लोग देखें तो 700 पॉइंट का स्पेस हम लोगों के लिए रहेगा, तो इतना इनफ होता है एक दिन के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आज मूव नहीं करेगा तो कल हाई पॉसिबिलिटी है कि कल एक मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, और वो भी 100% हम लोग नहीं कह सकते, हाई पॉसिबिलिटी है कि एक मूव मिलना चाहिए, क्योंकि एक दिन, दो दिन, तीन दिन और इस तरीके से कंटिन्यू चार दिन तक मार्केट सही तरीके से मूव नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर को अच्छे खासे पैसे बन चुके हैं, तो एक मूवमेंट मिलना चाहिए। बस मूवमेंट का वेट कीजिएगा, अग्रेसिव कुछ भी मत कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिएगा, क्वांटिटी साइजिंग को ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी डाल दी और ट्रैप में फंस गए और मार्केट में हमारा अकाउंट साफ हो गया। इन सारी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं।